छात्रों कमलेश भट्ट कमल साहब के उम्मीद गज़ल के कुछ छंद आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आइए अब उसका सारांश देखते हैं, संदर्भ स्पष्टीकरण देखते हैं कि इस छंदों में रचनाकार क्या कहना चाहते हैं। तो छात्रों, इस विशाल संसार में जीने की कई वजह होती हैं। अनेक लोगों के लिए तो समय कम पड़ जाता है और अनेक लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए देश विदेश जाते हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की मान मर्यादा को जानते हैं। अनेक लोग पहाड़ों पर जाते हैं, रंग बिरंगी फूलों का मज़ा लेते हैं, पहाड़ों से उतरते हुए झरनों को देखते हैं और अपने वातावरण को खुशहाल बनाते हैं। मगर अनेक लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए तो फिर समय ही नहीं होता है, उनके लिए कोई वजह ही नहीं होती है, वो ज़िंदगी से हार चुके होते हैं और वातावरण को, ज़िंदगी को खुशहाल बना नहीं पाते, समय के सामने हार जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी का कोई माना ही नहीं रह जाता, मतलब ही नहीं रहता। अगले छंदों के अंदर रचनाकार प्यारे छात्रों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुगंध को सुगंधित करने के लिए किसी कद्रदान की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सुगंध का स्वभाव ही होता है कि वातावरण को सुगंधित करना। उसी प्रकार मनुष्य होता है कि वो जो बिना किसी आलसा के, बिना किसी लालच के लोगों पर, समाज पर उपकार करता है, उनकी सहायता करता है और अपनी ज़िंदगी को समझ लेता है। और प्यारे छात्रों, आप भी समझ लें कि असल ज़िंदगी वही जी रहा है जो अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान कर रहा है, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, वही असल मनुष्य है। और उसी व्यक्ति ने ज़िंदगी का मतलब समझा है जो दूसरों की सहायता करता है। उसके बाद अगले छंद में उम्मीद गज़ल को लेकर मक्ते में शायर कह रहा है कि जिस तरह तूफानों से मजबूत छतों की दीवारें उसको बरसात से बचाती हैं, तूफानों से बचाती हैं, उसी तरीके से मनुष्य की उम्मीदें, व्यक्ति की उम्मीदें उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए उसे सहारा देती हैं, उसे साहस देती हैं। और उसी बात को लेकर इस उम्मीद गज़ल का सारांश आपके सामने आया कि जिस तरह इंसान सूरज के डूबने के बाद उसकी निकलने की उम्मीद करता है और इसी उम्मीद के सहारे वो सोता है कि कल फिर सवेरा होने वाला है, उसी उम्मीद से वो जब जाग जाता है, सुबह उठता है तो सूरज निकल जाता है, और इसी उम्मीद के सहारे इंसान अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो प्यारे छात्रों, ज़िंदगी का असल मकसद वही है कि जो ज़िंदगी को समझ लेता है वो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर इसी बात को और अगर हम आगे बढ़ाएं तो पानी कभी अपने आप को नहीं पीता, बल्कि वो समाज को, दुनिया को फ़ायदा पहुंचाता है, दुनिया उसे पीती है। फल को देखिए, कुदरती माहौल को, फल को देखिए, फल अपने आप को नहीं खाता बल्कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है। उसी तरीके से इंसान ने अपनी ज़िंदगी का मतलब समझना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी उसकी नहीं है बल्कि वो दूसरों के लिए होती है। और सच बात तो ये है कि इंसान पर समाज के कुछ कर्ज होते हैं जो उसे अदा करना ही चाहिए।